हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ग्रह के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम लोग 10 मई और 11 मई 2020 की जो पॉसिबल हेडलाइंस हो सकती हैं इंडिया के लिए, वो हम प्रेडिक्शन इसमें करेंगे, ठीक है। और जो मैंने 8th और 9th मई के लिए जो प्रेडिक्शंस करी थी, उसमें कितनी प्रेडिक्शन सही हुई हैं और उस चीज़ों की जो डिटेल्स हैं, वो हमारे फेसबुक और ट्विटर चैनल से आप हमारे देख सकते हैं। तो उसमें मैक्सिमम प्रेडिक्शन जो थी वो सही थी, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको फेसबुक ट्विटर पे मिल जाएंगी। और इस वीडियो में हम लोग 10 मई और 11 मई की जो प्रेडिक्शन है वो देखेंगे, और हर बार की तरह हम लोग ये दो हॉरोस्कोप्स हम लोग यूज़ करेंगे इस एनालिसिस में, जो एक हिंदू न्यू ईयर कैलेंडर चार्ट का बनता है और एक इंडियन इंडिपेंडेंस जो चार्ट है इससे रिलेटेड, इसकी दिशाओं को यूज़ करके इसमें जो गोचर की स्थितियां जो बनती हैं उससे रिलेटेड ये प्रेडिक्शंस होंगे। अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं टोटल 9 प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है। तो इन 9 प्रेडिक्शंस से रिलेटेड ही कल की और परसों की जो न्यूज़ हेडलाइंस जो बन सकती हैं वो है। तो बेसिकली कल और परसों जो सबसे हाईलाइटेड जो प्लैनेट्स हैं वो केतु, मून, ठीक है, और जुपिटर, ये 3 प्लैनेट्स हैं जो कि इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा रहने वाला है। और इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा जनरली हॉरोस्कोप वाइज अगर मैं बात करूँ तो 6th हाउस हो गया, 1st हाउस हो गया और 9th हाउस हो गया, ये 3 हाउसेस में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है। तो जब भी इन ग्रहों का जब इन्फ्लुएंस इन स्पेसिफिक हाउसेज में होता है 6th, 9th और 1st हाउस से रिलेटेड, उसमें जो पॉसिबल इवेंट्स हो सकती हैं वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो बेसिकली जो कल परसों के लिए केतु मून का जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है, केतु मून का कॉम्बिनेशन इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रहण योग, इसको हम लोग ग्रहण योग बोला जाता है, इक्लिप्स काइंड ऑफ अ सिचुएशन ही क्रिएट करता है। तो चंद्रमा मन का कारक है ना, तो जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो बेसिकली जो पब्लिक है ना, तो उसके मन में एक एंग्जाइटी काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स, ठीक है। कल के दिन काफ़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो पब्लिक में बहुत डिस्टरबेंस वाली स्थिति रहने वाली है, जो कि ऑलरेडी भी 2-3 दिन से हम देख ही रहे हैं, बट कल ये थोड़ा आपको ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कुछ कम्युनल डिस्टर्बेंसेस या कुछ अननेसेसरी फाइट्स होने की संभावना बनती है। और दूसरा जो प्रेडिक्शंस हैं वो इसी कॉम्बिनेशन की वजह से, केतु मून कॉम्बिनेशन जब 12th हाउस के साथ होता है तो कुछ सीक्रेट प्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगी, और मिलिट्री आर्मी या पुलिस है इनसे रिलेटेड न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहने वाली हैं। और इनसे जुड़ी हुई जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो इससे भी जुड़ी हुई काफ़ी न्यूज़ मिलेंगी जो कि फेवरेबल न्यूज़ नहीं रहेंगी। और कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़, फ्रॉड से रिलेटेड, कुछ स्कैंडल से रिलेटेड भी न्यूज़ हेडलाइंस बनने की संभावना कल के दिन दिखती है। और कुछ आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ भी आपको सुनने को मिलने वाली है कल और परसों के दिन पे, हालांकि ये चीज़ अब आने वाले 5-6 दिन तक ये रहने वाला है, बट स्पेसिफिकली कल और परसों की बात करें तो ये रहेगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट अब जो नेक्स्ट जो 2-3 प्रेडिक्शंस हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हो गए या हमारे जो कोर्ट्स और जजेस है ना, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड भी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहने वाला है। स्टेट वाइज गवर्नमेंट कुछ लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो ऑलरेडी सिचुएशंस बन रही हैं, बट कल के दिन ये आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है, कल और परसों, ठीक है। कुछ मेजर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको मिलेंगी स्पेसिफिकली इस डोमेन्स में, ठीक है। और इमिग्रेशन और मास मूवमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ये ऑलरेडी न्यूज़ में है, जो पिछले 2-3 दिनों से हो रहा है, कल भी ये चीज़ रहने वाली है। और इसके अलावा अब एकदम से इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन, 9th हाउस में जब भी केतु का इन्फ्लुएंस होता है खासकर जुपिटर के साथ, और जब चंद्रमा भी इन्वॉल्व रहे, तो कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज, कुछ रिलीजन से जुड़ी हुई टेम्पल मस्जिद इनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी न्यूज़ सबको सुनने को मिलेंगी। जो कॉम्यूनल हारमोनी डिस्टर्ब होता हुआ है ना, और कॉन्फ्लिक्ट और कोई भी दुखद न्यूज़ सुनने को मिल सकती है किसी रिलीजियस एक्टिविटीज या किसी रिलीजियस पर्सन से रिलेटेड। और जो लास्ट प्रेडिक्शन जो बनती हैं
वो पब्लिक हेल्थ से कंसर्न रखता है, तो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड भी काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ सबको सुनने को मिल सकती है इन 2 दिनों में। हालांकि 2 दिन में से अगर मैं बात करूँ तो 11th जो रहेगा 11th में वो फिर भी बेटर है, पर 10th में ही थोड़ा गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा है। मैंने लास्ट के 2 वीडियोस में बताया था कि जो मोर्टेलिटी रेट है COVID-19 की वजह से ये बढ़ेगा, और ये कल के दिन भी ऐसा रहने वाला है, परसों भी ऐसे ही आने वाला है, जो 10-12 तारीख तक ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। तो ये कुछ प्रेडिक्शंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, और लेट्स सी कल कितनी चीज़ें इसमें से निकल के आती हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को, और हमारे साथ ट्विटर में और फेसबुक से भी कनेक्ट होइए। और आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि अब जो प्रेडिक्शंस होंगे मैं वीकली, मतलब एक हफ्ते पहले ही प्रेडिक्शंस करा जाए, तो इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ आपके डाउट्स, कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर डाल सकते हैं। कुछ अगर आपको स्पेसिफिक कंसल्टेशंस लेनी है, पर्सनल कंसल्टेशन, तो उसके डिस्क्रिप्शन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन पर मिल जाएंगी उसकी डिटेल्स। धन्यवाद।